मुरादाबाद के TMU कोविड हॉस्पिटल से 3 लोगों ने खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की गई है। मुरादाबाद कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान TMU कोविड 19 अस्पताल में हो रही आत्महत्याओं को लेकर रोष प्रकट करते हुए बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने जिला मुख्यालय पहुंचकर TMU अस्पताल के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जाहिर किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आत्महत्या करने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को 50 लाख मुआवजे की मांग अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने की है। वहीं TMU अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले की स्तरीय जांच कराए जाने की मांग प्रशासनिक अफसरों से की गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष रोहन सक्सेना ने कहा कि संपूर्ण विश्व आज कोरोना महामारी से ग्रसित है, लाखों लोगों की इस महामारी से जाने जा चुकी हैं और संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था इस महामारी के कारण चरमराई हुई है। आज मनुष्य चिकित्सक में साक्षात ईश्वर के दर्शन कर रहा है, जो कि सही भी है। हमारे चिकित्सक अपनी और परिवार की चिंता किए बिना हमारी सेवा में लगे हुए हैं, मगर एक विषय बहुत चिंता का है और वो है मुरादाबाद जिले में स्थित एक बड़ा अस्पताल, जहां पिछले 20-25 दिनों में 3 लोगों ने आत्महत्या की है। जहां एक और लोग चिकित्सक में ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, वहीं तीर्थंकर महावीर अस्पताल मनुष्य को यमलोक पहुंचाने का माध्यम बना हुआ है। अस्पताल में ऐसा क्या कारण है कि पहले एक महिला, उसके बाद बैंक मैनेजर और फिर हेड कांस्टेबल ने अस्पताल की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली? ये सभी कोरोना पॉजिटिव थे, जो उपचार के लिए TMU कोविड 19 अस्पताल में भर्ती हुए थे। इस अस्पताल में लगातार हो रही आत्महत्या कहीं न कहीं संदेह उत्पन्न करा रही है। कहीं TMU अस्पताल में मरीजों को मानसिक रूप से परेशान तो नहीं किया जा रहा? अगर ऐसा है तो इसकी CBI जांच होनी चाहिए। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं TMU अस्पताल में हो चुकी हैं और उनकी उच्च स्तरीय जाँच अभी तक चल रही है, जिसका आज की तारीख तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल में आत्महत्या की है, उनके परिजनों को तीर्थंकर महावीर अस्पताल की ओर से 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। तीर्थंकर महावीर अस्पताल की उच्च स्तरीय जांच के लिए सर्वोच्च जांच एजेंसी का गठन होना चाहिए। जो भी इसमें दोषी पाया जाए, उन पर कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज होकर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन में रोहन सक्सेना, अंशुल मित्तल, अमित अग्रवाल, राजू सिंह, चेतन दिवाकर, दीप कुमार, हर्षित आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। आज राष्ट्रीय बजरंग दल मुरादाबाद के द्वारा तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी और अस्पताल के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है। जहां संपूर्ण विश्व आज कोरोना की महामारी के चपेट में है, करोड़ों लोग, लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं, लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, चिकित्सक आज वर्तमान में भगवान के रूप में मनुष्य देख रहे हैं, परंतु देखने में क्या आ रहा है कि मुरादाबाद TMU के अंदर कोरोना संक्रमित जो इलाज कराने जा रहे हैं, वो 20 दिन में 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली वहाँ से खुद कर। ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि वहाँ पे लोग खुद कर आत्महत्या कर रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व में भी कई लड़कियाँ वहाँ से खुद कर आत्महत्या कर चुकी हैं, जांचें पहले भी हुई हैं, परंतु इस बार राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है कि उच्च स्तरीय और CBI जाँच हो, ताकि इसका पर्दाफाश हो सके कि इसमें क्या दोषी हैं, कौन दोषी है, इसमें क्या कारण है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। पुलिस के कर्मचारी ने एक आत्महत्या करी, एक बैंक के कर्मचारी ने, बैंक के मैनेजर ने आत्महत्या कर ली, क्या कारण है कि जिन लोगों ने आत्महत्याएं करी हैं, उन लोगों को तीर्थंकर यूनिवर्सिटी 50 लाख रुपये का मुआवजा दे और जो लोग दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। तो राष्ट्रीय बजरंग दल आंदोलन करेगा और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा।